हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को. इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड बाय पी इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28. क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में? एग्जाम में एक बच्चे का द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय पी, स्टूडेंट का नाम है पी, कुछ भी हो सकता है पी से. इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय पी इन मैथ्स एंड साइंस इज 28. तो मान लेते हैं मैथ्स में कितना मार्क्स आया एक्स और साइंस में वाई, ठीक है, दोनों मिला के कितना है 28. एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28, ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन बन गया. हैड ही गॉट थ्री मोर मार्क्स इन मैथ्स एंड फोर मार्क्स लेस इन साइंस, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड इन द टू सब्जेक्ट वुड हैव 180. दिया हुआ है इफ जो मैथ्स में मार्क्स आया है, अगर हैड ही गॉट थ्री मोर मार्क्स इन मैथ्स, अगर मैथ्स में पहले से तीन मार्क्स ज़्यादा आता है एक्स प्लस थ्री और साइंस में एंड फोर मार्क्स लेस इन साइंस वाई माइनस फोर, ठीक है, तो दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट कितना हो जाता 180. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स प्लस थ्री इंटू वाई माइनस फोर इक्वल टू 180. तो हम इसको यहीं पे एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं. यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू है 28, अगर हम y को उधर शिफ्ट कर दें तो x का वैल्यू आ जाएगा 28 माइनस वाई. तो x की जगह पे हम लोग लिख देते हैं 28 माइनस वाई प्लस थ्री और ये y माइनस फोर इक्वल टू 180. तो 28 प्लस थ्री ये बन गया 31 माइनस वाई और ये y माइनस फोर इक्वल टू 180. दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 31 इंटू वाई ये हो गया 31y और 31 इंटू माइनस फोर ये बन जाएगा माइनस 124. 30 रहता 30 इंटू चार 120, तो ये 124 हो गया. माइनस वाई इंटू वाई ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई इंटू माइनस फोर ये बन गया प्लस 4y इक्वल टू 180. तो यहाँ पे आ गया माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और 31y और 4y, तो ये बन गया प्लस 35y माइनस 124 और इस 180 को भी हम इधर ले आते हैं माइनस 180 इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35y और माइनस 124 माइनस 180 ये बन जाएगा 180 280 304 माइनस 304 इक्वल टू 0. माइनस कॉमन निकाल लेते हैं पूरे इक्वेशन से, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 304 इक्वल टू 0. माइनस को यहाँ से हटा देंगे, वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 304, माइनस मतलब ये माइनस वन, ये माइनस वन जीरो के नीचे चला जाएगा, तो 0 अपॉन माइनस वन ये 0 हो गया, ठीक है. अब मिडिल टर्म ब्रेक करना है हमें यहाँ पे, तो हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं 304 को. 2 से चला गया 152 बार में, फिर 2 से चला जाएगा 27 जा 14 126 बार में, 2 से चला गया 38 बार में और 2 से चला गया 19 बार में. तो अगर हम ये सब 2 को एक साथ ले लें तो हो जाएगा 16 और 19, ठीक है. वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 19y प्लस 304 इक्वल टू 0. तो y कॉमन आ गया y माइनस 16 और यहाँ पे 19 कॉमन आ गया, तो ये हो गया फिर से y माइनस 16 इक्वल टू 0. y माइनस 16 एक ब्रैकेट में आ गया और y माइनस 19 एक ब्रैकेट में आ गया इक्वल टू 0. y का दो वैल्यू मिल गया हमें 16 और 19, ठीक है. तो दोनों पॉसिबल हो सकता है. अगर y हम लोग 16 लेते हैं व्हेन y इक्वल टू 16, तो उस केस में x का क्या वैल्यू हो जाएगा? x प्लस y मिला के 28 है, तो अगर y के जगह पे हम 16 रख दें यहाँ पे तो x का वैल्यू 12 निकल के आ जाएगा. और व्हेन y के जगह पे हम 19 रख दें तब x क्या होगा? y के जगह पे अगर 19 रखते हैं तो x का वैल्यू 9 हो जाएगा, x इक्वल टू 9. तो दो पॉसिबल आंसर आ गया हमारे पास और दोनों ही सही है, दोनों एक्सेप्टेबल है. तो क्या हो गया, x हमने एज्यूम किया था मैथ्स को, तो मैथ्स में कितना मार्क्स आ रहा है बच्चे का? मैथ्स में है 12 और साइंस में आ गया वाई, वाई है 16. एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर और मैथ्स में कितना है 9 और साइंस में हो गया 19, ठीक है.